सही अहमद की दरख्वास्त पर अदालत ने कल दुआ को पेश करने का हुक्म दे दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दुआ जहरा केस में अहम पेशरफ्त हुई है और दुआ के शौहर जहीर अहमद ने दुआ जहरा को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त पर अदालत ने कल दुआ जहरा को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है और केस के तफ्तीशी अफसर को सख्त हदायत जारी कर दी हैं। अदालत ने कहा कि दुआ जहरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर के जरिए अदालत में पेश किया जाए। जब दुआ जहरा को पेश किया जाए, किसी को भी मिलने ना दिया जाए। दुआ जहरा की पेशी के वक्त फ्रीकैन के वकला के सिवा कोई ना हो। दरख्वास्त गुजार जहीर ने मौकफ अपनाया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर को कस्टडी मिलने पर 24 घंटों में अदालत में पेश करना होता है। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि 24 घंटों में बच्ची को पेश करने का मकसद उसके हकूक का तहफ्फुज़ करना है। दूसरी जानिब मुद्दई मुकदमा के वकील का कहना है कि जिन दफात के तहत दरख्वास्त दायर की गई है उनका इतलाक यहाँ नहीं होता। दरख्वास्त बदनीयती की बिना पर दायर की गई है, मुस्तरद की जाए।